साथियों, आपका मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने डायनामिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसी डायरेक्शन में आगे मूव करते हुए हम मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व का जो लास्ट टॉपिक है, इंटेंजिंग कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी फाइंड आउट करना और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना आज उनको पढ़ेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जो कि आपकी इंटेंजिंग कोऑर्डिनेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज की जाएगी, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लिया आपके पास एक कर्व है जो मैंने पिंक ड्रा की है, डॉटेड पॉइंट्स एरिए को छोड़कर। ये जो पिंक है, मान लिया आपके पास एक ये पिंक आर्क गिवन है। आपको इस पिंक आर्क के ऊपर एक पॉइंट गिवन है पी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पी का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो इस पॉइंट पी का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का मतलब है कि आपको एक ऐसा सर्कल ढूंढना है जिस जो ये आर्क है वो उस सर्कल का अप्रोक्सीमेट इक्वल हिस्सा हो। जैसे मैंने इसी आर्क को ब्राउन स्केच से डॉटेड करके पूरा कंप्लीट सर्कल बना दिया, तो जो आपकी ये पिंक आर्क है ये सर्कल की एक हिस्सा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बना? रेडियस ऑफ कर्वेचर बना इस पी पॉइंट का इस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस, और जो आपका सी है वो आपका बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही डेफिनेशन है फॉर ए कर्व। आपके पास जो कर्व थी, इट इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क विच बेट्स बेस्ट अप्रोक्सीमेट द कर्व कर्व एट दैट पॉइंट। नोटेशन, यूजुअली हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करेंगे, और रो हम कैलकुलस में इसका डेरिवेशन करके आते हैं। रो आपका होता है डी एस अपॉन डी साई के इक्वल। इसकी डेरिवेशन आप कैलकुलस की किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। जैसा कि हमारा जो पेपर है डायनेमिक्स का है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रेंजिंग कोऑर्डिनेट। इंट्रेंजिंग कोऑर्डिनेट होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत होती पड़ती क्यों है? अभी तक हमने जो फर्स्ट लेक्चर किया था, उसमें सारा का सारा काम हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किया। सेकंड और थर्ड लेक्चर के में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में काम किया, और अब इंट्रिंजिक कोऑर्डिनेट्स आए हैं। जब किसी पार्टिकल का पाथ हमें गिवन होता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में काम ना कर कर इट इज़ इजी टू वर्क इन इंट्रिंजिक कोऑर्डिनेट। अब इंट्रिंजिक कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, चलो साथी उसको समझते हैं। मान लिया आपके पास एक कोई कर्व है और आपका पार्टिकल किसी पॉइंट टी के ऊपर इस पी पॉइंट के ऊपर है। तो पार्टिकल अगर आपका इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, तो आपके पार्टिकल की इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंट्रिंजिंग कोऑर्डिनेट के एक्सिस डिफाइन किए जाते हैं। वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस होगा उसको बोलेंगे हम टेंजेंट एक्सिस, और जो वेलोस टेंजेंट एक्सिस के नॉर्मल होगा उसको बोलेंगे हम नॉर्मल एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और इंटेंजिंग कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आपका जो फिक्स पॉइंट है ओरिजिन वो फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव करेगा तो जो टेंजेंट एक्सिस और नॉर्मल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट पी है, जो कि यहाँ पर आपका ओरिजिन होगा, वो भी आपका मूव करेगा। इसका मतलब इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट के अंदर आपका ओरिजिन फिक्स नहीं होता। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में हम किसी भी कर्व की इक्वेशन मेजर करेंगे। कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके एस और टी। टी होता है साथियों आपका टाइम। अब एस है आपकी कर्व की लेंथ, और कर्व की लेंथ तो हम हमेशा किसी ना किसी फिक्स पॉइंट से ही मेज़र करते हैं। तो हम हर क्वेश्चन के अंदर
एक फिक्स पॉइंट भी अज्यूम करेंगे। जैसा कि मान लिया हमने ए पॉइंट, इसके अंदर फिक्स पॉइंट है, और ए से पी तक जो कर्व की लेंथ है, कर्व की लेंथ वो हमने ज़ूम कर ली एस। तो इंटरनल कोऑर्डिनेट के अंदर जो कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, वो कोऑर्डिनेट होते हैं एस और टी। आगे हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इसकी डेरिवेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा किया है। ये आपका पार्टिकल इस कर्व के ऊपर मूव करने लग रहा था। ए आपका फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, और किसी टाइम टी के ऊपर आपका पार्टिकल पी पॉइंट के ऊपर है, और डेल्टा टी टाइम के बाद, यानी कि टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर आपका पार्टिकल क्यू पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। मान लिया ए पी जो लेंथ है, लेंथ, आर्क लेंथ ए पी, वो हमने एक मिनट के लिए जूम कर लेते हैं, वो एस है, और डेल्टा टी टाइम के अंदर आपकी जो लेंथ, आर्क लेंथ के अंदर जो चेंज आया वो हमने जूम कर लिया डेल्टा एस। तो जो आपकी आर्क लेंथ ए क्यू बनेगी वो बनेगी एस प्लस डेल्टा एस। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है साथ ही आपकी जो टेंजेंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होने लग रही है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट, और नॉर्मल वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द नॉर्मल टू द टेंजेंट। डेफिनेशन तो वही रहेंगी वेलोसिटीज की। तो अब इनकी डेरिवेशन के लिए हम यहाँ सर स्टार्ट करते हैं। ए क्यू आपका है एस प्लस डेल्टा एस, और कितने टाइम के अंदर चेंज आया ये, डेल्टा टी टाइम के अंदर चेंज आया। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी, इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट एट पी इन टाइम डेल्टा टी। तो टेंजेंट के अलोंग आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, पार्टिकल आपका पी से क्यू तक गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसके लिए हमने क्यू से इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी एम क्यू, इसको मैंने यहाँ पर डायग्राम दोबारा बनाया है पी एम क्यू। इसके अंदर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द टेंजेंट वो है आपकी पी एम। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पी एम अपॉन डेल्टा टी। अब साथियों इस पी एम को ही फाइंड आउट करते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पी एम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जो आपकी पी एम है वो पी एम आपकी होगी कॉर्ड पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल के आप देख सकते हो पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने पी एम की वैल्यू निकाल ली, पी एम आपकी होगी कॉर्ड पी क्यू, पी क्यू कॉर्ड है आपकी ये डिस्टेंस, पी क्यू डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक हम डेरिवेशन तक पहुँच चुके हैं। अब साथियों हमें तो जो गिवन था, जो हम अज्यूम करके चले हैं, उसमें तो अभी पी क्यू का कहीं पर भी यूज़ नहीं है। जो यूज़ है सारा का सारा वो आर्क लेंथ का है, ए पी का है और पी क्यू लेंथ का है। तो अभी तक तो हमने आर्क को तो कहीं पर भी इन्वॉल्व ही नहीं किया है, और अभी तो इस फार्मूले को देखते हुए हमें लग भी नहीं रहा कि कहीं पर आर्क पी क्यू अपने आप इंक्लूड हो जाएगी। तो हम साथियों इसमें आपकी जो आर्क पी क्यू है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, कॉर्ड पी क्यू डेल्टा टी आर्क पी क्यू से मल्टीप्लाई, आर्क पी क्यू से डिवाइड, और साथ में था कोस ऑफ थीटा। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे साथियों। जैसा आपका डेल्टा टी जीरो को टेंड करेगा, डेल्टा टी जीरो को टेंड करने का मतलब है कि आपका पार्टिकल क्यू से पी की तरफ अप्रोच करेगा। जैसे जैसे आपका पार्टिकल क्यू से पी की तरफ जाएगा तो जो कॉर्ड है और आर्क है
वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेंगी और दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इस लिमिट का इफेक्ट, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होकर कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो आर्क पी क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये लिमिट आपकी वन को टेंड कर जाएगी, कोड पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू होगी, और कोस ऑफ थीटा। एक कोस थीटा के बारे में और देखते हैं साथियों, जैसे आपका टाइम डेल्टा टी को टेंड जीरो करेगा तो वो आपका जो एंगल कोस थीटा है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम के अंदर बनाया था, थीटा आपका एंगल था पी क्यू और पी एम के बीच में। तो जैसे आपका पॉइंट पी की तरफ आएगा तो ये एंगल भी किसको टेंड करेगा, जीरो को, और ये लिमिट क्या आ जाएगी आपकी वन। तो ये आपका बन जाएगा आर्क पी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, आर्क आपकी जो पी क्यू है, पी क्यू की लेंथ आपकी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, पी क्यू लेंथ आपकी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ये आपकी बन जाएगी डी एस अपॉन टी टी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो आपकी, जो उसका फार्मूला ड्राइव हो गया है एट बी, वो आपका है डी एस अपॉन डी टी। सिमिलरली हम नॉर्मल वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे। नॉर्मल वेलोसिटी के लिए हमें टेंजेंट के नॉर्मल के अलोंग पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट देखनी है, और देख सकते हैं हम कि नॉर्मल के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुई है पार्टिकल की, वो डिस्प्लेसमेंट हुई है क्यू एम। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो क्यू एम अपॉन डेल्टा टी। क्यू एम को साथियों देखते हैं हम, आपका जो क्यू एम को देखते हैं साथियों कि आपका क्यू एम किसके इक्वल होगा, फिर से इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जाते हैं, क्यू एम अपॉन पी क्यू, क्यू एम अपॉन पी क्यू हो जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपका बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कोड ऑफ पी क्यू साइन ऑफ थीटा अपॉन डेल्टा टी। और जैसे ही आपका ये डेल्टा टी जीरो को टेंड करेगा, ये आपका एंगल साइन थीटा, थीटा आपका क्योंकि पी एम और पी क्यू के बीच का एंगल था, ये भी आपका किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को। तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। इस बात का मतलब इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट के केस में पार्टिकल की कोई भी नॉर्मल वेलोसिटी नहीं होती। सिमिलरली हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन करते हैं। एक्सेलरेशन की डेरिवेशन के लिए हम पार्टिकल की वेलोसिटी को जूम करके चलते हैं। फिर से मैंने एक ये डायग्राम ड्रा किया, ये आपका पार्टिकल का पाथ है, किसी टाइम टी के ऊपर आपका पार्टिकल पी पॉइंट के ऊपर है, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम के ऊपर आपका पार्टिकल क्यू पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। ये साथ ही साथ हमने जूम कर लिया कि इस पी पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो वी है, और अभी अभी हमने डेरिवेशन की है कि इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट के केस में आपके पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो केवल टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ही है साथियों, और इस क्यू पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी के अंदर थोड़ा सा चेंज आया वो हमने जूम कर लिया वी प्लस डेल्टा वी। तो जो आपकी वी वेलोसिटी है, जो कि आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ही है एट पी, वो किसके इक्वल, अभी अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया था, डी एस अपॉन डी टी। तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पी फाइंड आउट करते हैं, जो कि आपको होगा चेंज इन वेलोसिटी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट इन टाइम डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, कि टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया। इनिशियल वेलोसिटी तो हम पी के ऊपर समझ रहे हैं कि पी के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी आपकी वी है, और फाइनल वेलोसिटी टी प्लस डेल्टा टी क्यू इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमें तो इस टेंजेंट के लॉन्ग चाहिए। तो फिर से एक बार इसको डायग्राम ड्रा करते हैं, ये आपकी वेलोसिटी है वी प्लस डेल्टा वी, और हमें इसके अलोंग वी के अलोंग जो आपका ओ पी है इसके अलोंग हमें इस वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए। तो हमें इस एंगल का पता लगाना होगा कि ये एंगल कितना है। इस एंगल को हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो आपके वेलोसिटी वेक्टर ने इस फिक्स्ड लाइन के साथ जो एंगल बनाया था वो एंगल था आपका साई, वो एंगल था आपका साई। और जैसे जैसे आपका पार्टिकल इस पी से क्यू की तरफ गया, तो इस टेंजेंट ने आपका इस
फिक्स लाइन के साथ एंगल बनाया वो हमने जूम कर लिया साई प्लस डेल्टा साई। तो हमें साथियों इस एंगल का पता लगाना है, ये एंगल क्योंकि फिर से हम एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है और इन दोनों का सम ये एंगल है, तो इस एंगल को डेल्टा साई होना पड़ेगा। तो ये भी आपका एंगल कितना होगा, डेल्टा साई। तो इन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वह आपका डेल्टा साई। तो वी प्लस डेल्टा वी का जो रिजोल्ट पार्ट है वी की डायरेक्शन में वो होगा वी प्लस डेल्टा वी कोस ऑफ डेल्टा साई। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वी प्लस डेल्टा वी कोस ऑफ डेल्टा साई माइनस वी अपॉन डेल्टा टी। फिर से हम इसकी एक्सपेंशन को ओपन करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वी प्लस डेल्टा वी वन माइनस डेल्टा साई स्क्वेयर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डेल्टा साई की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस वी अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि डेल्टा साई बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है तो उसके स्क्वेयर और हायर पावर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो आपकी जो ये रिड्यूस होके लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वी प्लस डेल्टा वी माइनस वी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपकी लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी विच इज़ डेरिवेशन डी वी अपॉन डी टी। इसके बाद का मतलब हुआ कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी का ही डेरिवेटिव होता है, और हमने वेलोसिटी को ड्राइव किया था डी एस अपॉन डी टी। तो इसका एक और फार्मूला जो आपका बन गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट पी इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एस अपॉन डी टी स्क्वेयर। जो भी फार्मूला हमें प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सूटेबल लगेगा हम उस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। एक लास्ट डेरिवेशन इस पूरे के पूरे चैप्टर की रहती है, डेरिवेशन ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए हमें साथियों अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए हमें फिर से वही चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल जितना चेंज आया है वेलोसिटी के अंदर साथियों वो हमें चेक करना है। जैसा कि आप जानते हो चेंज निकालने के लिए फिर से हम इनल माइनस इनिशियल करेंगे और फाइनल वेलोसिटी आपकी वी प्लस डेल्टा वी का कंपोनेंट नॉर्मल के लॉन्ग देखना होगा। तो वी प्लस डेल्टा वी का कंपोनेंट नॉर्मल के लॉन्ग हो जाएगा वी प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ डेल्टा साई, और इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल के लॉन्ग तो होगी नहीं। फिर से हम साइन ऑफ डेल्टा साई की एक्सपेंशन ओपन करके इसका डायरेक्ट डेरिवेशन कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन आपका फाइंड होकर आएगा वी स्क्वेयर अपॉन रो, ये रो आपका रेडियस कर्वेचर ही है, रो को हम जानते हैं, रो को ये लिखते हैं फार्मूला डी एस अपॉन डी साई। तो आशा करता हूँ कि आप इसका डेरिवेशन कर लोगे।